बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नगर के बीचों बीच एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में घटित हो रहे जघन्य अपराध जैसे मर्डर, मारपीट, लूट, चोरी की घटना जैसे घटना को लेकर कांग्रेसियों ने मुद्दा बनाकर राजनीतिक हमला करना शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन द्वारा आपराधिक तत्वों को जल्द गिरफ्तार नहीं किए जाने पर बस्तर बंद करने तक का आह्वान कांग्रेस द्वारा कर दी गई थी, परंतु पुलिस प्रशासन ने अपराधी तक पहुंचने में चुस्ती दिखाते हुए महज 24 घंटा के अंदर अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। जनता ने पुलिस के इस त्वरित कार्यवाही से खुश और प्रशंसा की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने जाते वक्त पुलिस वाहन में खराबी आने के कारण पैदल ही अपराधियों को न्यायालय तक मुख्य सड़कों से होते हुए ले जाया गया, जहां अपराधी अपने अपराध कबूल करते हुए जनता एवं पुलिस से माफी मांगते नजर आए। इस दौरान जनता को इन्हें देखने की कौतूहलता की वजह से एक जुलूस का शक्ल अख्तियार कर लिया था। अपराधियों का क्या हश्र होता है, ये एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत हुआ। वहीं भाजपा के नेता पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले कांग्रेसियों के बयानबाजी का पलटवार करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मनोज पटेल ने कहा है, जनता को पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया और कांग्रेसियों को किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले सोच समझकर आरोप लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उनके कर्ता धर्ता को पुलिस प्रशासन एवं भाजपा सरकार से माफी मांगना चाहिए। किसी पारिवारिक घटना को भी संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश करने के लिए शर्म आनी चाहिए। कल जगदलपुर शहर के मध्य में अंदुआ चौक के पास एक पारिवारिक झगड़े में भाई के द्वारा अपने भाई और अपने माताजी का जो दोहरा हत्या किया है, इसकी मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और जो हत्या का जो आरोपी स्वयं उसका जो भाई है, जिसको पुलिस ने हमारे 24 घंटे के भी अंदर मतलब महज 5 से 6 घंटे के भीतर ही अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, इस पर भाई सुशील मौर्य जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल बयानबाजी की थी कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ती है तो हम शहर बंद करवाएंगे। मैं भाई सुशील मौर्य को अवगत कराना चाहता हूं कि वो ओछी जो राजनीति कर रहे हैं छोड़ दें और जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करें। मैं कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़े मुद्दे तो है ही नहीं जो छत्तीसगढ़ की हमारे विष्णुदेव साय की सरकार ने है। सरकार बनते ही साथ जनता के मुद्दों पर उन्होंने तत्काल कार्य किया है और ऐसे कोई भी जनता के मुद्दे नहीं है, जिसके कारण अब कांग्रेस के नेता पारिवारिक झगड़ों पर बयानबाजी करते आ रहे हैं। और हमारी जो बस्तर की पुलिस है, इन्होंने तत्काल महज 5 से 6 घंटे के भीतर अपराधी को पकड़ा और उसके बाद जैसे आप देखें कि चाकूबाजी की घटना हुई थी संजय मार्केट में, मैत्री संघ गली में लूट की घटना हुई थी, सभी आरोपियों को तत्काल इन्होंने पकड़कर और आज इन्होंने शहर के मध्य से इन्हें जुलूस भी निकाला है, जिससे शहर की जनता में एक पुलिस के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति विश्वास जागी है और अपराधियों के जो भय है उससे मुक्त हुई है और प्रशासन सचेत है। और जो छत्तीसगढ़ सरकार, जो भाजपा की सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये बहुत ही एकदम स्पष्ट है कि जो भी अपराध करेगा और जो भी अपराध की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति आते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें तत्काल पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं भाई जो कांग्रेस के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना छोड़ दे और वो ऐसे जो मुद्दे हैं जो पुलिस प्रशासन का हौसला बढ़ाए और लगातार देखते आ रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है रोज जो नक्सली हैं रोज सरेंडर कर रहे हैं और रोज नक्सली मारे जा रहे हैं। जो हमारे विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, माननीय हमारे जो गृह मंत्री महोदय के जो क्रियाकलाप, जो उनकी पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है, जिसके कारण रोज हमारे नक्सली सरेंडर करते जा रहे हैं और जो अपराधी हैं वो छत्तीसगढ़ से भाग खड़े हुए हैं और जो अपराध जो बचे हैं उनको तत्काल पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रही है। केंद्र में राहुल गांधी हो चाहे प्रदेश में दीपक में हो चाहे उनके जो दिशाहीन बयानबाजी और इनके जो कोची राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 इनके जो
राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय से लेकर जो प्रदेश नेता है और यहाँ जिला स्तर के जो नेता है, इनकी ऊंची मानसिकता है और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे से भटक गए हैं, जिसके कारण इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है बिल्कुल जनता के साथ खड़ी है। इनके इसी ऊंची मानसिकता की वजह से जो छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल में ही उखाड़ कर फेंक दिया और पुनः भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और विश्वास जताया, जिसके पे छत्तीसगढ़ सरकार जो विष्णु देव साय जी की सरकार है बिल्कुल 100% खरा उतर रही है। मैं मनोज पटेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला महामंत्री।